गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित यह नगर पालिका परिषद व तहसील भगवान शिव के मंदिर और बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के चीनी मिल के लिए जाना जाता है। गोली गांव, जो कि शिव मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित था तथा अकाल के कारण स्थान छोड़कर गांव की आबादी नागा बाबाओं की मदद के चलते शिव मंदिर के आसपास बस गई। समय बीता, नया नाम पड़ा गोला, जो आज प्रचलित है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स, हम तुमसे प्रसन्न हैं। वर मांगो प्रभु, संकट काल में सदैव आपके दर्शन होते रहे, हर समय आपका परामर्श मेरी अगुवाई करे। हे महादेव, हे भोले शंकर, आप मेरी लंका में प्रतिष्ठित होकर रहे। तथास्तु, मैं तुम्हें अपना प्रतीक चिन्ह देता हूं। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। बात उस समय की है जब रामायण का युद्ध चल रहा था। रावण ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया ताकि वह युद्ध जीत सके। शिव जी ने शिवलिंग का आकार लेकर रावण को लंका में शिवलिंग स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके लिए भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि शिवलिंग को बीच में कहीं पर भी नीचे नहीं रखना है। लेकिन रास्ते में रावण को लघु शंका लगी तो उसने एक गडरिये को शिवलिंग पकड़ने को कहा। गडरिये का रूप धारण करके स्वयं भगवान विष्णु आए थे। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना वजन काफी बढ़ा दिया और गडरिये को शिवलिंग नीचे रखना पड़ा। रावण को भगवान शिव की चालाकी समझ में आ गई और वह बहुत क्रोधित हुआ। रावण समझ गया कि शिवजी लंका नहीं जाना चाहते ताकि राम युद्ध जीत सके। क्रोधित रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया, जिससे उसमें गाय के कान जैसे निशान बन गए। गडरिये को मारने के लिए रावण ने उसका पीछा किया। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वह एक कुएं में गिरकर मर गया। वह जगह आज भूतनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी हर साल वहां पर मेला लगता है। वराह पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने तीन सींगों वाले एक मृग का रूप धारण कर लिया। देवतागण विष्णु के नेतृत्व में उन्हें खोजने पृथ्वी पर आए। ब्रह्मा और इंद्र मृग रूपी शिव के दो सींग पकड़ पाए। तभी शंकर अपने तीनों सींग छोड़कर अदृश्य हो गए। ये सींग लिंग रूप में बदल गए। देवता ने शिव के तीनों लिंगों में से यहाँ गोकर्णनाथ में स्थापित किया, दूसरा सुंगेश्वर भागलपुर बिहार में और तीसरा शिवलिंग इंद्रलोक ले गए। जब रावण ने इंद्र पर विजय हासिल की तो इंद्रलोक से वह तीसरा सींग उठा लाए, किंतु लंका के मार्ग पर जाते हुए भूल से उसने इसी गोकर्ण क्षेत्र में उसे भूमि पर रख दिया। शिव तब यहीं स्थिर हो गए। यहाँ के बड़े से सरोवर के किनारे श्री गोकर्णनाथ महादेव का बड़ा मंदिर है। 8 किलोमीटर की परिधि में 5 प्राचीन कुंड हैं, जहाँ हर कुंड के पास शिवालय है। गोकर्णनाथ महादेव के अलावा अन्य 4 शिव मंदिर हैं, देवेश्वर महादेव, गदेश्वर महादेव, बटेश्वर महादेव और स्वर्णेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मण जति मंदिर व प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर। यह नगर गंगा जमुना तहजीब की अनुपम छटा बिखेरता है और शहर के आकर्षण का केंद्र शहर में आयोजित होने वाला प्रतिवर्ष ऐतिहासिक चेती मेला है, जो कि नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिवर्ष होलिका दहन के पश्चात चैत माह में बड़ी धूमधाम से
मनाया जाता है। गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश तीर्थ की सूची में वर्तमान में सम्मिलित है और वर्तमान प्रयास यह है कि इस शहर को पर्यटन नगरी का दर्जा प्राप्त हो सके।